Sidhal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, chapter number 3, Standard 7th NCERT Maths, Data Handling. Okay, अब last lecture के अंदर अपन exercise 3.1 पूरी complete की थी and क्या पढ़ा था? Mean. Mean मतलब क्या होता है? Arithmetic mean मतलब क्या होता है? Average. Arithmetic mean मतलब क्या होता है? Average. Clear है? अब average मतलब क्या? तो जितना भी numbers दिए उन सबका total करो, divide by number of observations. Sum of all the observations divide by number of observations. Average मतलब क्या होता है? Mean मतलब क्या होता है? Arithmetic mean मतलब तीनों एक ही होता है. मतलब क्या होता है? Sum of all the observations upon number of observations. Clear है? अपने पूरे lecture में, last पूरे lecture में अपन ने यही पढ़ा था. अब अपन क्या पढ़ेंगे? Median and mode. क्या पढ़ेंगे? Median and mode. अब basically mode होता क्या है? Highest repeated number. Mode क्या होता है? Highest repeated number. Medium क्या होता है? Middle number. Mode क्या होता है? Highest repeated number. Median क्या होता है? Middle number. ठीक है? अब median के अंदर भी दो केस होते हैं. एक होता है कि total numbers जो है, जितने number of observations जो है, वो number of observations even number हो तो क्या होता है? Number of observation अगर odd number हो तो क्या होता है? But तुमको इतना detailing में नहीं है, वो 11, 12 में usually रहता है. तुमको सिर्फ इतना odd number वाला ही केस है जो बहुत ज़्यादा simple है. Clear है? अब पहले अपन mode पढ़ते हैं. Mode मतलब क्या? Highest repeated observation. मोड मतलब क्या होता है? हाईएस्ट. अगर मैं समझो 10 ऑब्जर्वेशंस है जिसके अंदर 4, 5, 7, 8 लेकिन 10 तीन बार है तो मेरा मोड क्या हो जाएगा? 10. तो मेरा मोड क्या हो जाएगा? 10. अब मीडियन क्या? अगर मैं जो भी नंबर्स लिख रही हूं, मैं अगर जो भी ऑब्जर्वेशंस है, पहले वो ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में डालूंगी. सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन को आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, बट मोस्टली असेंडिंग में ही डालते लोग. कोई फर्क नहीं पड़ता, असेंडिंग डालो डिसेंडिंग डालो, तुम किसी में भी डाल सकते हो. आइदर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू बिगर, डिसेंडिंग मतलब बिगर टू स्मॉलर. ठीक है? तो आइदर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. फिर जितने भी मीडियम मतलब हाईएस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड सॉरी मोड मतलब मीडियम मतलब क्या होता है? मीडियन की ऑड नंबर्स के लिए, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए. तुमको ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही है तो एक ही दिमाग में फॉर्मूला याद रखो, n plus 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन. टूथ मतलब th ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब क्या होता है? n plus 1 upon 2 मतलब क्या होता है? अगर समझो टोटल मेरे ऑब्जर्वेशन है 11, टोटल मेरे ऑब्जर्वेशन है 11 प्लस 1, टोटल मेरे ऑब्जर्वेशन क्या 11 प्लस 1 मतलब 12 अपॉन 2 क्या हुआ? 6. तो 6 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होगा ना वो मेरा मीडियन हो गया. तो 6 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन हुआ वो मेरा मीडियन होगा. मीडियन मतलब क्या? n प्लस 1 अपॉन 2, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन 2. तो वो जो आएगा आंसर, वो नंबर नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है, उस नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरा मीडियन हो गया. क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. ये दो कंसेप्ट पूरे एक्सरसाइज में कवर किया हुआ है. आज अपन ये वाले एक्सरसाइज एकदम डिटेल में करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है? ओके. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द स्कोर इन मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोस. मतलब स्कोर मैथमेटिक्स टेस्ट के स्कोर दे दिए. क्या क्या स्कोर दिया है? 19, 20. अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करती, मैं डायरेक्टली उसको असेंडिंग ऑर्डर, जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर है 5. सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5. फिर 9, 10, 12. फिर एक काम पे मैं लिख देती तो पिकअप करने में ज्यादा ईजी हो जाएगा. ओके, तो नंबर मेरे क्या क्या है? 19, 25, 19, 25, just a minute, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. क्लियर एवरीवन? अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5. तो मैं असेंडिंग में अरेंज करी तो सबसे पहले 5 लिखूंगी, फिर 9. तो 9 लिखा, फिर मैंने उसके बाद 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 20, फिर वापस 20. 20 रिपीट हो रहा है, देखो 1, 2,
थ्री टाइम्स 20 रिपीट हो रहा है, ठीक है, और फोर टाइम्स 1 2 3 4 1 2 3 एंड फोर टाइम्स 20 रिपीट हो रहा है, तो 24 बार लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। जितनी बार जो रिपीट हो रहा है ऐसा नहीं एक बार में लिख दो, उतनी बार वो लिखो, क्लियर है। 20 के बाद आएगा 23, देन 24, 25 भी दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 25 भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है, और उसके बाद खत्म, ठीक है, इतने नंबर्स हो गए। अब मुझे इसमें मोड निकालना है, तो मोड मेरा क्या हुआ, 24 बार रिपीट हुआ तो मोड मेरा क्या हो गया, मोड इज इक्वल टू 20, 20 मेरा चार बार रिपीट हुआ तो मोड मेरा क्या हो गया 20, एंड दो मोड बोला हो तो नेक्स्ट मोड क्या होगा 25, क्योंकि 20 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट रिपीटेड नंबर है वो कौन सा है 25। मोड मतलब क्या होता है, हाईएस्ट रिपीटेड नंबर, मोड मतलब क्या होता है, हाईएस्ट रिपीटेड नंबर। अब हाईएस्ट मेरा 20 रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर बोला कि जितने भी मोड सब दे दो तो उसमें मैं 20 एंड 25 दोनों लिखूंगी, बिकॉज 25 भी मोर देन वन टाइम रिपीट हो रहा है, क्लियर एवरीवन। अब मीडियन क्या होगा, मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन मतलब क्या होता है, एन प्लस वन अपॉन टू, कितने ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 का ऑब्जर्वेशन है, तो 15 + 1 / 2 दैट इज 16 / 2, मतलब 2 1 2 8 आया मेरा, 15 ऑब्जर्वेशन है टोटल, एन क्या है 15 + 1 दैट इज 16 / 2, तो 8 आया। अब 8 ऑब्जर्वेशन मेरा कौन सा, इसमें चेक करूंगी, इसमें नहीं, असेंडिंग ऑर्डर मीडियन के लिए ही लिखते हैं, क्लियर है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेरा क्या आया 20, सो मेरा मीडियन भी, आंसर ये क्वेश्चन है, मेरा मीडियन भी 20 ही है, सो मेरा मीडियन का आंसर भी क्या आएगा 20। ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर तो 20 है, 8th ऑब्जर्वेशन मेरा आंसर है, 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है 20, क्लियर एवरीवन। ओके सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और इसमें ऐसा भी पूछे आर दे सेम, तो यस दे आर सेम, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोस, रन दे दिए, अब इसके अंदर तीन चीज ढूंढनी है, मीडियन, मोड एंड मीन, मीन अपने लास्ट जो लेक्चर में पढ़ा था सेम वैसे ही ढूंढना है, ठीक है। ओके सो स्कोर्स क्या है, 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके एक और बार देख ले तो 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15, ओके अब इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम क्या रिपीट हो रहा है 15, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम क्या रिपीट हो रहा है 15, तो मेरा मोड क्या हो गया 50, इधर तक मोड तो मेरा आ गया क्लियर। अब मीडियन मेरा क्या होगा, उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मैं असेंडिंग में करूंगी अगर, तो सबसे छोटा नंबर मेरा क्या है 6, फिर 8, फिर 10, फिर 10, ओ 10 तीन बार रिपीटेड, अगर दूसरा मोड पूछा हो तो 10 भी आएगा, 10 दो बार रिपीटेड है, अगर दूसरा नंबर पूछा हो तो 10 भी आएगा 15 के साथ, क्लियर है, पर मेन क्या आएगा 15, ओके 10, 10, उसके बाद 15, 15, 15, फिर क्या आएगा 50, 80, 120, ओके सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 100 रह गया, 100 एंड 120, क्लियर है, तो 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। अब मीडियन क्या होता है, एन प्लस वन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन, मतलब 11 + 1 / 2 क्या हो गया 12 / 2 दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन मेरा कौन सा, 1 2 3 4 5 6, 6th ऑब्जर्वेशन मेरा क्या आया 15, तो यस मेरा मोड एंड मीडियन तो सेम है, मेरा मीडियन कितना आया 15, ठीक है। अब इसके अंदर तुम लोग को एक ही पूछा तो खाली 15 लिखोगे चलेगा, ठीक है, तो मोड और मीडियन तो मेरा सेम आया। अब मीन क्या आएगा, मीन, मीन तुम लोग को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में समझा दिया है, तो तुम वो चीज होमवर्क में अपना करना, ठीक है, मीन मतलब एवरेज, सबका सम करो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लियर एवरीवन। ओके एक बार इसको गो थ्रू कर दो, मैं नेक्स्ट सम,
Okay. So next question. Find the the weight in kg of 15 student of a class are as follows. Weight दे दिए, student के weights दे दिए. क्या ढूंढने के लिए बोला है? Find the mode and the median. And is there more than one mode? मैंने बोला था ना, कभी कभी ऐसा पूछते कि एक से ज्यादा mode है तो अपन को उसके अंदर जो दूसरा नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर रिपीटेड हो रहा है वो लिखना है. क्लियर है? अब इसके अंदर क्या बोला है? फाइंड द मोड एंड मीडियन, मीन नहीं ढूंढना है. अब मैं पहले डेटा लिखूंगी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड. डेटा क्या है? 38. क्या है वेट इन केजीज? ओके, ऑफ स्टूडेंट्स 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, ओके, 40, 36, 38, 43, 38, 47. कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ऑब्जर्वेशन है. 38, 42, 35, 37, 40, 5, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 and 47. करेक्ट. अब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूंगी, उससे पहले मैं मोड ढूंढ लेती हूँ बिकॉज मोड इजी है. सबसे हाईएस्ट क्या रिपीट हो रहा है? मुझे 38 तो दिख ही रहा है, 38 एक दो, लेकिन 43 उससे ज्यादा है. 1, 2, 3. 43 तीन बार है, ठीक है, और 38 भी तीन बार है, 43 भी तीन बार है, 43 38 भी 1, 2, 3. तो मोड क्या हो गया? दो हो गए, तो 43 एंड दूसरा 38. मोड क्या है? 43 एंड 38. तो उसके पूछा था ना, इज देयर मोर देन वन मोड? यस, देयर आर टू मोड्स, दैट इज 43 एंड 38. क्लियर एवरीवन? अब मीडियन टोटल कितना? 17 ऑब्जर्वेशन, 10 प्लस 1 मतलब 17 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 18 अपॉन 2. नाइन्थ ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में करना है, एंड जो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन आया वो क्या आ गया? अपना मीडियन. असेंडिंग ऑर्डर में करूं तो सबसे फर्स्ट मेरा क्या आएगा? 32. सेकेंड मेरा क्या आएगा? 35. थर्ड मेरा क्या आएगा? 36. फोर्थ मेरा क्या आएगा? 38. फिफ्थ भी मेरा 38 आएगा, एंड सिक्स्थ भी मेरा 38 आएगा. करेक्ट. सेवेंथ मेरा क्या आएगा? सॉरी, 37 स्किप हो गया है, तो फोर्थ आएगा मेरा 37, फिफ्थ सिक्स एट आएगा मेरा 38, फिफ्थ सिक्स एंड एट आएगा मेरा 38. 38 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 40, बिकॉज 39 मुझे दिख नहीं रहा है. सो 40 मेरा क्या आया? नाइन्थ ऑब्जर्वेशन. सो मेरा नाइन्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? मीडियन. सो मेरा आंसर क्या है मीडियन का? 40. तुमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, और फिर करना, इधर मेरे पास प्लेस की कमी है, पूरा सम एक साथ नहीं देख पाऊंगी, इसके लिए मैं इधर ऐसे नंबरिंग कर रही हूँ. नंबरिंग नहीं करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एंड उसके बाद जो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन आया वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? एक बार बोर्ड पे गो थ्रू कर दो. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू और फॉल्स. मैं क्वेश्चन बोलती जाऊंगी, आंसर बोलती जाऊंगी. द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा. क्या मोड हमेशा एक नंबर होगा डेटा में से? ट्रू. ठीक है, अभी तक तो तुमको ऐसा ही, उसके बाद हो सकता है पॉइंट वाले भी होते जो नहीं होते, बट अभी तक तुमको जो मोड है वो नंबर्स में से ही है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा. नो, मीन इज हमेशा नहीं होता, हमेशा पॉसिबल नहीं होता, काफी हाई चांसेस होता कि नहीं होता. मतलब मीन हमेशा डेटा में से कोई एक नंबर नहीं होता, तो फॉल्स. द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा. ट्रू. द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा. द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज मीन 9. वो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, मीन ढूंढो एंड देखो 9 है या नहीं. क्लियर एवरीवन? सो गुड बाय एवरीवन. वी एंड दिस लेक्चर बाय दिस सेशन, एंड वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय एवरीवन.